नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में जो तीसरा T20 होने जा रहा है, उससे पहले एक बात तो साफ है कि कल ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ होना लगभग तय, मानिए लगभग पक्का है। बस एक तरीके से टीम इंडिया को मैदान में उतरना है, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भाई सुपड़ा साफ तय है, उसके पीछे वैलिड रीजंस हैं। मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं। जैसे कि मैंने पिछले मैच में आपको बताया था, वो चार रीजन, वो चार का चक्रव्यूह जो टीम इंडिया ने तैयार किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चारों फंसे भी, ऑस्ट्रेलिया भी फंसी और मैच टीम इंडिया ने जीत लिया। अब ये मैच क्यों इंडिया जीत सकती है, इंडिया की जीत के चांस ज्यादा क्यों है, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत ही जाएगी, अब अगर गंदा खेलेगी तो नहीं जीतेगी, लेकिन ज्यादा चांसेस क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, इस मैदान पर टीम इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा शानदार है। यहां पर 100% विन रिकॉर्ड है टीम इंडिया का। तीन मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीनों मैच टीम इंडिया जीती है। तो उस रिकॉर्ड को देखते हुए उम्मीद यही है कि यहां पर टीम इंडिया भारी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया पर, तो जो चौथा मैच कल होगा टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैदान पर T20, वो भी टीम इंडिया जीतेगी। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ऑस्ट्रेलिया की टीम का कमजोर होना। मतलब आप देखिए, उनके बड़े बड़े प्लेयर्स ये T20 मैच नहीं खेल रहे हैं। एरॉन फिंच हो गए, इसके अलावा डेविड वार्नर हो गए, जो उनके दोनों ही तगड़े ओपनर्स हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। पैट कमिंस नहीं है, मिच स्टार्क नहीं है, ये चार बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। इसका बहुत फर्क पड़ रहा है, आप देखिए ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और पिछले मैच में भी इसका बहुत ज्यादा फर्क महसूस किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण जो जिस वजह से टीम इंडिया जीत सकती है, वो है ओपनर्स का फॉर्म में लौट आना। क्योंकि जब भारत को अच्छा स्टार्ट मिलेगा, जब भारत को अच्छा स्टार्ट मिला है, ओपनर्स उसके फॉर्म में रहे हैं, तो हमने देखा है कि फिर मिडिल ऑर्डर भी खूब, मिडिल ऑर्डर ने आग उगली है, उसके बल्ले ने आग उगली है, और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर पर जो बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है वो नहीं आता है, और उस वजह से लोअर मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा करता है। अब जैसे कि पिछले मैच में आप देख लीजिए, शिखर धवन ने अर्धशतक जड़ा और केएल राहुल ने क्या शानदार 30 रन बनाए। तो ये दोनों ही एक तरीके से क्लिक कर दिया है और ये बता दिया है कि वो फॉर्म में वापस लौट आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी मैच में बड़ा बचकर रहना पड़ेगा इन दोनों से, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई टीम इंडिया को। और T20 में ना यही चाहिए होता है, शुरुआत के 4-5 ओवर अगर आपने 50 बना दिए बिना किसी विकेट के, तो आपने अपना काम कर दिया है। फिर भले ही आप आउट हो जाएं, लेकिन आपने अपना काम कर दिया है। यही चाहिए होता है किसी टीम को एक छोटे से फॉर्मेट में, जिसमें जो T20 है। अगर कल के मैच में भी धवन और राहुल इतना चल गए जिसने पिछले मैच में चले थे, तो टीम इंडिया का काम हो जाएगा। उसके बाद चौथा कारण यह भी है कि भाई कप्तान कोहली का बल्ला बोला, और क्या जबरदस्त बल्ला बोला। और सिर्फ कप्तान कोहली का ही नहीं, पांड्या का भी बल्ला तो लगातार ही वो आग उगल रहा है, और पिछले मैच में भी उसने आग उगली और अकेले पांड्या ने वो मैच जिता दिया। तो ये भी एक रीजन है। इसके अलावा एक और रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह की कल के मैच में वापसी हो सकती है। और अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं, बूम बूम बुमराह, तो देखिए बैटिंग तो तगड़ी हमारी चली रही है, बॉलिंग भी तगड़ी चल रही है, टी नटराजन इतना अच्छा कर रहे हैं, बुमराह आ जाएंगे तो टी नटराजन और ज्यादा निखर कर सामने आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर ही रहे हैं, शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच में भी अच्छा किया। तो बस आप समझ लीजिए क्यों मैं बता रहा हूं कि टीम इंडिया की जीत तय है, बस थोड़ा बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा, बाकी तो बाकी काम हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।